हेलो शॉक्स। हेलो हाय। हेलो। इतना उजाला क्यों है? थोड़ी बत्तियां धीमी कर दे और मुझे फॉलो कीजिए। अपना हाथ अपने दिल पे कुछ इस तरह रखे, एक डीप इनहेल करें और सीलिंग की तरफ देखिए। सीलिंग पे अपने लवर का फेस इमेजिन कीजिए, वो लवर जिससे आपकी शादी नहीं हुई है। और तीन बार मेरे साथ वाव कहें। वाव, 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 वाव। अब आंखें बंद करें, एक्सहेल करें और रिलैक्स करें। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी विद अ वाव। आप पिच करने आए कि हमारा घर तुम्हारा है? बोटॉक्स और फिलर्स की इस दुनिया को डिसरप्ट करने मैं आ गई हूँ लेके अपने नेचुरल स्किन सॉल्यूशंस। कहते हैं मुझे इंडिया की फेस योगा क्वीन, बिकॉज माय टेक्निक्स विल डेफिनेटली गेट ऑल ऑफ अस सीन। नाम है मेरा विभूति अरोरा और मैं हूँ फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ ब्यूटी इंडिया। हमारे स्किन सॉल्यूशंस नेचुरल है, नॉन इन्वेजिव है और डायरेक्ट अल्टरनेटिव्स है टू प्लास्टिक सर्जरी। आज हमारे पास 100 प्लस नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, 30 प्लस फेस योगा बेस्ड फेशियल्स है एंड 150 फेस योगा टीचर्स हैं सर्टिफाइड बाय मी पर्सनली ग्लोबली। मेरी इस होलिस्टिक विजन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे मांग रही हूँ 1.5 करोड़ रुपए फॉर 5% इक्विटी। तो समय को थमा सके ना सके, बताएं शॉक्स, इंडिया को इनसाइड आउट ग्लो करने में क्या आप मेरे साथ हैं? विभूति, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 3। थैंक यू। वेरी कॉन्फिडेंट पिच, तो ये लग रहा है कि आप ये काफी साल से कर रही हैं। सर, फेस योगा मैं 10 साल से कर रही हूँ। I did not always look the way I did. Seriously? 2014 तक मुझे पता चला कि I have an autoimmune skin condition जिसका नाम है lupus. So अगर आपने psoriasis, eczema, rosacea के बारे में सुना है, lupus उसका extreme version है। ये आप हैं? जी बिल्कुल। चारों आप हैं? चारों मैं हूँ। My God. Really? लेकिन साथ साथ में वजन भी कम किया आपने। सर, मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सर्टिफाइड टीचर इवेल्युएटर योगी भी हूँ। अच्छा जी। मैं तो बहुत योगा फॉलो करती हूँ, फेस योगा के बहुत वीडियोस हैं ऑनलाइन, तो इसके लिए हमें आपके क्लासेस लेने की क्या जरूरत है? आप क्या अलग करवाएंगी? नमिता जी, पहले तो जो आप वीडियोस देखते हैं फेस योगा के, 90% ऑफ देम आर सर्टिफाइड बाय मी। मैंने इंस्टीट्यूट क्रिएट कर दिया फेस योगा स्कूल के नाम से। oh, wow. आज हमारी 1.5 मिलियन से ज्यादा डिजिटल रीच है एंड कॉम्पिटिशन की तरह मैं नहीं देखती, मैं सिनर्जी की तरह देखती हूँ। तो आपका की फोकस योगा पे ही है केवल या सीरम्स और ऑयल आपने ये सब जो लिखे हैं? फेस योगा करने के लिए हमें सीरम्स एंड ऑयल्स की बहुत जरूरत है, बिकॉज अगर आप फेस योगा ऑयल्स के बिना करेंगे आप अपनी स्किन को स्ट्रेच कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। उसके अलावा हम फेस योगा फेशियल्स भी करते हैं मेरे दिल्ली वाले सेंटर में। ये सेंटर सलोन है? नहीं सर, ये एक वेलनेस सेंटर है न्यू दिल्ली में, जहाँ पे हम 30 प्लस फेस योगा बेस्ड फेशियल्स, जो मैं हाथों की खुद करने के लिए टेक्निक सिखाती हूँ, वो हम सेंटर में भी करते हैं। सो आप ऑनलाइन मेरी ऐप पे कर सकते हैं, आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप चार्ज करती हैं? हाँ जी, 12 क्लासेस हम देते हैं 2999 3000 रुपए। ये आपका सिग्नेचर मूव है? ये मेरा सिग्नेचर मूव है। सिग्नेचर मेरी एक मसाज है जिसका नाम मैंने, इट्स अ कॉपीराइट मसाज, मैंने उसका नाम रखा है विभूति। आप प्रोडक्ट्स दिखाएंगी? सो आई एम गोइंग टू ऑफर यू माय डबल चिन करेक्टर, द फर्स्ट प्रोडक्ट। आई नो, बट हे डिड, मेरी तो बहुत अच्छी जॉलाइन है। अनुपम जी, आपके लिए पहले तो मेरा फेवरेट है परफ्यूम। ये प्रोडक्ट्स में मतलब ऐसा स्टिकर चिपका के एंड इंग्रेडिएंट्स भी नहीं मेंशन्ड है।
आप सारा प्रोसेस फॉलो कर रही हैं, एफडीए रजिस्ट्रेशन, वी आर एफडीए सर्टिफाइड एंड सीई सर्टिफाइड। आपके पास जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ बॉटल है, इसकी आउटर पैकेजिंग में सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे लोगो, सारी एमआरपीज लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से, बट लीगल मेट्रोलॉजी में 10 ml प्लस में प्रोडक्ट पे भी लिखना पड़ता है। नाउ दैट आई हैव योर फीडबैक आई विल इम्प्रोवाइज। माय फीडबैक इज कि आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत डिसअपॉइंटिंग है कंपेयर टू द एवरीथिंग एल्स अराउंड द ब्रांड। अच्छा आप फेशियल दिखाएंगी मुझे, एंटी एजिंग फेशियल। तो ये मेरा सेलिब्रिटी फेवरेट टूल है। नीचे से आप इसको ट्विस्ट करेंगी तो 6000 माइक्रो वाइब्रेशंस शुरू हो जाएंगी। आप इसको लेंगे आंखों के नीचे अपने फर्स्ट पॉइंट पे रखेंगे, अपनी माइक्रो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब होने देंगे, मैक्सिमम पफिनेस पॉइंट जो आंख के नीचे है वहां प्रेस करेंगे, फिर अपने टेम्पल्स पे प्रेस करेंगे, स्वाइप करेंगे, लिफ्ट करेंगे, ड्रेन करेंगे। ये जो मैंने किया 2-3 बार, वो करने के बाद यहाँ जो एक टिंगलिंग फ्रेश सेंसेशन आया, आई कैन फील इट, सो इट्स डेफिनेटली वर्किंग। ये आपकी खुद की कंपनी है, इसमें कोई और इन्वेस्टर वगैरह नहीं है? इट इज 100% ओन्ड बाय मी। मैंने शेयर होल्डर अग्रीमेंट के लिए एक शेयर अपने हस्बैंड को दिया हुआ है। विभूति, आपके पास दो रेवेन्यू मॉडल है? 3। ओके, एक इज फेस योगा, जो आपके पास 150 फेस योगा टीचर्स है। सेकेंड इज आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स। थर्ड इज द सेंटर। राइट, द सेंटर। तो आप बताइए पहले तो आपका सेल्स क्या है और तीनों का स्प्लिट क्या है? मेरा लास्ट ईयर का रेवेन्यू वाज जस्ट शॉर्ट ऑफ 5 crore। उसमें से मेरे वेबसाइट से 46% आया। 46% फ्रॉम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। 36% मार्केट प्लेसेस से आया और बैलेंस मेरा फेस योगा और फेस योगा सेंटर से आया। ये आपका जो प्रोडक्ट बिजनेस है विच जनरेट्स 82% ऑफ योर रेवेन्यू, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है क्योंकि आपका ज्यादा ध्यान सर्विसेज की ओर लगा हुआ। व्हाइल इट इज गुड इन द लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में यू विल लूज इवन दिस बिजनेस अगर फोकस वहां बना रहा। आई न्यू यू विल आस्क मी दिस क्वेश्चन। ये एक स्ट्रेटेजिक कॉल था हमारे लिए। पिछले साल हमने सोचना था कि हम मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें या अपने फिजिकल स्पेस में इन्वेस्ट करें, बिकॉज मैं एक एक्सपीरियंस बेच रही हूँ, सिर्फ फेस योगा की एडुकेशन नहीं बेच रही, इसीलिए हमने वो कॉल लिया था इंटरनल। आई एम नॉट इन दिस फॉर द शॉर्ट टर्म। तो फिर मैं हर D2C ब्रांड की तरह एक मार्केटिंग पे एड स्पेंड करके वॉल्यूम गेम खेल रही होती। आई एम हेयर फॉर द लॉन्ग टर्म। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस। जो मैंने वेलनेस सेंटर भी खोला है वहाँ भी काफी एनर्जी जाती है, एंड दैट इज वाई आई एम एडिंग एंड स्टिचिंग इट टुगेदर। वेल सेड। सो आपका कम्युनिटी इज लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग के लिए। विभूति, लेट्स कट टू द चेज। फेस योगा एक आपका एक सॉर्ट ऑफ ब्रांडिंग स्ट्रेटजी हो सकता है, बट योर ब्रेड एंड बटर इज प्रोडक्ट्स। इसमें क्या अलग है? आई वुड से आई एम द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। नहीं, आप एक पर्सन तो डिफरेंशिएटर नहीं बन सकता है। प्रोडक्ट में क्या अलग है? इंग्रेडिएंट्स अलग है। क्या अलग है? रेवेनेज जैसे एक इंग्रेडिएंट है जो आज रेटिनॉल का डायरेक्ट अल्टरनेटिव है प्लांट बेस्ड। लोगों को रेटिनॉल से फोटो सेंसिटिविटी होती है, स्किन कैंसर भी होता है। पर वो तो बकुचियोल भी है ना, सारे आधे से आधे बकुचियोल रेटिनॉल के नीचे आता है। सो मेरी जो कोलेजन क्रीम है, अफोर्डेबिलिटी बनाने के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक रेवेनेज भी है और फिर बकुची ऑयल भी है। आप अकेली है इंडिया में जिसके पास रेवेनेज है? आज मैं अकेली। अकेली? हाँ जी। एंड व्हाट परसेंट ऑफ योर सेल्स इज दैट प्रोडक्ट? सो अबाउट 5% ऑफ माय सेल्स कम्स फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। 25 lakhs. इतना अगर रेवोल्यूशनरी है एज एन ऑल्टरनेटिव टू रेटिनॉल एंड आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज है एंड यू आर द ओनली वन इन इंडिया डूइंग दिस, तो देन व्हाई ओनली 25 लाख ऑफ सेल्स? इट शुड हैव किल्ड द मार्केट। इसी से मुझे यू नो एक शक पैदा होता है कि आप में कोई डिफरेंशिएटर है कि नहीं। अगर सचमुच डिफरेंशिएटर होता तो आपका प्रोडक्ट 25 लाख का नहीं होता, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट टुडे। I think you all want to understand, आप अपना organic sales versus paid sales और repeat rate बता दो, उससे समझ में आ जाएगा आपका product कितना भारी है। 4 lakhs हम invest करते हैं
इन पेड सेल हर महीने, इन पेड सेल मार्केटिंग, बाकी ये ब्रांड बना ही ऑर्गेनिक है. एंड हमारे क्लाइंट्स की स्टिकीनेस या कोहॉर्ट इज अबाउट 30% ओवरऑल एंड अबाउट 6% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस. कम है बहुत, मतलब कोई भी हर महीने नेक्स्ट मंथ में 6% लोग वापस आए, लाइफ टाइम में 30% आए, है ना. हाँ जी हाँ. तो ये स्किन केयर ब्रांड्स का, जैसे फेस वॉश होते हैं, 10-12% होता है M1 मंथ वन का रिपीट, एंड 12 लाइफ टाइम, तो मतलब 60% प्लस होना चाहिए. प्रोडक्ट इफेक्टिव है वो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ आपको. स्किन केयर में जैसे ही अगर इफेक्टिव हो जाता है प्रोडक्ट, पीपल स्टार्ट यूजिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. बहुत जल्दी सेल बढ़ने वाले, पढ़े नहीं नंबर्स में, पढ़ के जरूर. आपके प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट क्या है, लास्ट मंथ का प्रॉफिट क्या है? लास्ट मंथ मैंने 40 लाख की सेल्स की. और प्रॉफिट, माय इबिटा इज एट 10%. और अभी यहां तक पहुंच गए टॉप लाइन और बॉटम लाइन 4 लाख, इसका बीच का भी हिसाब बता दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको नंबर से कितनी दोस्ती है. 30% मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके. 20% मेरी एडमिन कॉस्ट है, 25% मेरी सैलरीज है, 15% मेरे ओवरहेड्स है, एंड बैलेंस इज माय प्रॉफिट. विभूति, डेफिनेटली प्रोडक्ट में कुछ काम हो सकता है, लोगो से लेकर पैकेजिंग से लेकर इंग्रेडिएंट स्टोरी तक, आप उस पे काम कीजिए एंड देन आप मोर इन्वेस्टेबल होंगी. बेस्ट ऑफ लक, आई एम आउट. 10% EBITDA इस बिजनेस में बनाना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं है. फॉर नाउ आई एम आउट, बिकॉज मुझे अभी थोड़ा सा आपका बिजनेस को अभी आप दो डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, और अभी अगर वो प्योर प्ले ड्यूटी D2C बन जाएगा 1-1.5 साल में, 2 साल में, सर्विसेज बिजनेस में ज़्यादा मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं है, बट जब ये थोड़ा D2C की तरफ जाएगा और थोड़ा आपका स्केल आना शुरू होगा ना, देन प्रोबेबली यू शुड कम बैक इन सीजन 4, बट फॉर नाउ अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट. आप बहुत कॉन्फिडेंट लगे और काफ़ी अच्छे से आपने हैंडल किया सबके आंसर्स को. मेरे को जो कन्विक्शन नहीं आया वो था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 10x बेटर कैसे है, क्योंकि मैं उस उन कंपनीज में डालना चाहता हूँ जहाँ मेरे को लगे कि केवल मार्केटिंग की कंपनी नहीं, प्रोडक्ट सॉलिड है, राइट. एंड दैट्स वेयर आई प्रॉब्ली मिस द लिंक, इसलिए मैं आज बाहर हूँ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आई डोंट थिंक यू कैन ग्रो दिस बिजनेस बाय फोकसिंग ऑन सर्विसेज एंड फ्रेंचाइजिंग. आपको प्रोडक्ट पे ही फोकस लाना पड़ेगा. इस वजह से मैं आउट हूँ. थैंक यू सो मच. गुड लक. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.